हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो इमरजेंसी पे होने वाला है। आशा करता हूँ आपने पिछली वीडियोस मेरी देखी होगी, है ना। जो पिछली वीडियो आपने देखी थी उसमें मैंने आपको 20 साल का भारतीय राजनीति मतलब बताया था, जिसमें हमने 1960s और 1970s को कवर किया था, ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो इमरजेंसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है और इसमें हम स्टार्ट करेंगे जो आपने लास्ट उसमें देखा था, जो इलेक्शन हुआ था आपका 1971 वाला, उसके बाद की ये राजनीति है, ठीक है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ वो नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अलग चैप्टर नहीं है, उसी से जुड़ा हुआ है, उसी के बाद की कहानी है भारतीय राजनीति की, ठीक है। ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारतीय इतिहास में सबसे जो भारतीय इतिहास है, फिर भारतीय लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो सबसे जो काला दिन आप कह सकते हैं, फिर काला समय जो कह सकते हैं एक तरीके से, वो इमरजेंसी वाला पीरियड रहा है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी चाहिए कि आखिर भारत में इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, कैसे लगाई गई थी और लगाना सच में जरूरी था या नहीं था, ठीक है। और इमरजेंसी को लेकर के ही भले ही इंदिरा गांधी ने कितने भी अच्छे कार्य किए गए हों उनके द्वारा, बट इमरजेंसी को लेकर के थोड़ा सा इनके खिलाफ मतलब आलोचना वगैरह करी जाती है, थोड़ा सा क्या, बहुत बड़े स्तर पर करी जाती है, क्योंकि इमरजेंसी एक ऐसा पीरियड था भारतीय इतिहास में जिसने ये बताया कि भारत में एक तरीके से तानाशाही आ गई हो, ठीक है। तो आखिर ये तानाशाही क्यों आती है, कैसे आती है, इसके बाद क्या क्या होता है, हमें इस चैप्टर में पूरा जानना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, यानी कि जो आपकी राजनीति है लोकतांत्रिक राजनीति, उसमें जो संकट आया, उसमें वो संकट कैसे आया, क्यों आया, वो हम जानेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ इमरजेंसी की, आखिर इमरजेंसी होता क्या है। तो आपने हमेशा सुना होगा इमरजेंसी, वैसे आप तो मोस्टली देखते होंगे कि मान लीजिए आप किसी बस में सफर करते हैं या फिर मान लीजिए आप किसी ट्रेन में हैं, तो उसमें आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो उसमें कोई विंडो वाली सीट होती है या फिर कोई एक अलग से कोई डोर वगैरह होता है, तो उसमें भी आप इमरजेंसी वर्ड वहां पर लिखा हुआ देख लेते हैं। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि जब आपके पास सारे रास्ते बंद हो जाएं तो आपको एक तरीके से ये वाला रास्ता यूज करके और आपको उस रूम से निकलना है या फिर उस जगह से निकलना है या फिर उस ट्रेन से निकलना है। और ये रास्ता कब यूज करना है, ये रास्ता आपको तब यूज करना है जब आपके पास बहुत ही बड़ा संकट आ जाए, यानी कि मानिए जब एक बस है, उस बस में आग लग गई, ठीक है। अब उस बस में जब आग लग गई तो उसमें दो ही गेट होते हैं, ठीक है, लेकिन इमरजेंसी के लिए आपके पास एक और गेट होना चाहिए ना, इस तरफ से भी होना चाहिए, उस तरफ से भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आजकल के जो क्लासरूम बनते हैं बच्चों के, अभी आपने देखा होगा कि आप जिस क्लासरूम में पढ़ते हैं वो स्टार्टिंग में पहले उसमें एक ही डोर हुआ करता था, ठीक है। और 2015 के टाइम में जब मैं 12th में था तो वहीं पर वो स्टार्ट होता है, हमारे स्कूल में दो डोर वहां पर स्टार्ट हुआ, और उसका रीजन भी यही था कि आने वाले टाइम में अगर कोई इमरजेंसी आती है, कोई दिक्कत आती है, भूकंप लग आ जाता है या फिर आग लग जाती है, तो कोई भी एक ऐसा संकट, उससे निवारण के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारे पास इमरजेंसी वाला डोर होना चाहिए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जब भारतीय लोकतंत्र में, किसमें, भारतीय लोकतंत्र में कहिए या फिर भारत जैसे देश में या फिर किसी भी देश में जब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाए, क्या हो जाए, सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, या फिर जो सबसे पावरफुल गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, सारी की सारी पावर अपने पास ले लेती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो भारत है आपका, इस भारत में भी सेम वही है कि जो इमरजेंसी होती है वो एक तो पहली बात प्रेसिडेंट लगाता है, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट जो होता है वो इसकी घोषणा करते हैं कि भारत में इमरजेंसी लगाया जा रहा है एक तरीके से। और ये जो इमरजेंसी लगती है वो लगती है एडवाइस पर, किसके, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स कौन है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर वो है कि मान लीजिए भारत में आज हमें या फिर आने वाले टाइम में आपातकाल लगाना है, तो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री आपके और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह जी हैं, तो इनकी जो मिनिस्ट्री है ये सभी क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे हमारे राष्ट्रपति को कि देश की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, तो हम चाहते हैं कि भारत की सिचुएशन को, फिर भारत को संभालने के लिए इमरजेंसी लगा दी जाए। तो ठीक इसी प्रकार से भारत में जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो ऐसे ही उस टाइम करा गया था। सबसे पहले इस बात का आप ध्यान रखना कि इमरजेंसी कभी भी तानाशाही नहीं होती है, ठीक है, इमरजेंसी कभी भी तानाशाही नहीं होती है। इमरजेंसी का मतलब क्या है, इमरजेंसी का मतलब ही ये है कि आपको अपने देश को बचाना है, आपके देश की जो सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, इन सब को बचाने के लिए ही आप क्या कर रहे हैं, आप इमरजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं,
समझ रहे कहने का मतलब। तो इमरजेंसी की मीनिंग ही आपकी यही एक तरीके से कि हमें इसका इस्तेमाल इसलिए करना है ताकि देश की जो सुरक्षा है, अखंडता है, एकता है, वो खराब ना हो, क्योंकि देश में ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी लगानी पड़ती है। हमें वही देखना है कि देश में कौन सी दिक्कतें आई थी। ठीक है, दूसरा ये था कि जो इसके लिए प्रोविजन है आपके भारतीय संविधान में, तो वो आपका पार्ट 18 है। ठीक है, पार्ट 18 में है। और इसके लिए इमरजेंसी जो आपकी होती है वो तीन टाइप की होती है, अभी हम बताऊंगा आपको कौन कौन सी है वो। फिलहाल जानते हैं कि इसके लिए आर्टिकल कौन सा है। तो आर्टिकल नंबर 352 से लेकर के 360 तक जो भी मतलब इसमें प्रोविजन है वो हमारे भारत के इमरजेंसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 352 से लेकर के 60 तक के जो भी अनुच्छेद इसके अंदर आते हैं वो सब इमरजेंसी में काउंट होते हैं, उसके जरिए ही भारत में इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इमरजेंसी क्या होता है आपका एक तरीके से। तो ये एक आपका पीरियड ऑफ गवर्नेंस होता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा टर्म जिसमें मतलब जो रूल होगा सीधा किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से हर सिचुएशन को हैंडल करेगी। भारत में बहुत सारे स्टेट हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि क्या हुआ कि भारत में आपने इमरजेंसी लगा दी, तो जब आपने इमरजेंसी लगाई, अब आपने इमरजेंसी लगाई है पूरे भारत के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो कि जितनी भी जो स्टेट गवर्नमेंट है ना उनके पास वो उतनी शक्तियां नहीं रहेगी। सारी की सारी शक्तियां किसके पास चलेगी, सारी की सारी जो शक्तियां होंगी वो यूनियन गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, उस सिचुएशन को अपने अनुसार हैंडल करने के लिए, फिर अपने हिसाब से चलाने के लिए, उसको टैकल करने के लिए इमरजेंसी को इम्पोज करती है। ठीक है, तो ये था आपका मतलब इमरजेंसी के बारे में एक छोटी सी बात। ठीक है, आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि एमसीक्यू में आपसे जरूर पूछा जाता है कि ये किस पार्ट में है और आर्टिकल कौन कौन से आते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की। ठीक है, तो देखिए जो टाइप्स ऑफ अगर हम इमरजेंसी की हम बात करते हैं तो भारत के संविधान के अनुसार जो इमरजेंसी है वो तीन टाइप की होती है। ठीक है, जिसमें से एक है आर्टिकल नंबर 352 जिसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, एक है आपका आर्टिकल 356 जो आपकी होती है स्टेट इमरजेंसी, और एक होती है आर्टिकल 360 जो की होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपने देखा कि इसमें तीन इमरजेंसी है भारत में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के हिसाब से भारत में अगर इमरजेंसी लगती है तो वो तीन इमरजेंसी होती है। ठीक है, एक होती है आपकी नेशनल। नेशनल का मतलब होता है जब आप बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ी दुविधा में पड़ जाए, मान लीजिए आपके पूरे भारत में ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, मान लीजिए कि सेना ने विद्रोह कर दिया। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे यहां पर जो आपने बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश में जो आपने देखा कि वहां की शेख हसीना की सरकार थी और शेख हसीना की सरकार को के साथ क्या हुआ, उनको वहां से जाना पड़ा क्योंकि वहां की जनता ने बगावत कर दिया। अब वहां पर सिचुएशन कितनी हुई खराब, बहुत ज्यादा खराब हो गई ना। अब जब सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाए और पूरे देश में खराब हो जाए, ठीक है, तब हम क्या करते एक तरीके से, वहां पर नेशनल इमरजेंसी वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि वहां पर सिचुएशन कैसी है, वहां पर जो सिचुएशन है पूरे देश की है। दिक्कत जो आपके आई पूरे देश में आई है तो आपको पूरे देश को संभालना है ना, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर नेशनल इमरजेंसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो भारत में जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी आज के समय में अगर देखा जाए तो उसका जो रीजन बताया होना चाहिए वो होना चाहिए आर्म्ड रिबेलियन होना चाहिए या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन होना चाहिए, और कोई वॉर वगैरह होती है दूसरे देशों से, किसी मान लीजिए कि हमारे भारत पर किसी दूसरे देश ने हमला वगैरह कर दिया, तो ये सिचुएशन कैसी है जो पूरे भारत को संभालने की है। ठीक है, तब हम उस स्थिति में क्या करते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। हालांकि जो ये आम रिवेलियन आप वर्ड देख रहे हैं ये बाद में इसको चेंज किया गया क्योंकि इंदिरा गांधी ने किसी और कारण की वजह से आपातकाल की घोषणा करी थी। ठीक है, तो उसको अमेंड किया गया था 1978 में। तो वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने लगाए और अभी वाला क्या है, तो अभी तो वैसे ये है कि आम रिवेलियन होगा, अगर कोई वॉर होती है तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। ठीक है, अभी के टाइम का मतलब अभी 2024 के हिसाब से देखा जाए तो, हालांकि अमेंडमेंट 1978 से हो गया था। दूसरा जो आपका है वो है आपका स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्टेट ऐसा होता है जहां की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम इसमें कौन सा लेंगे, हम एग्जाम्पल लेंगे इसमें दिल्ली का। दिल्ली के बारे में आपको ये पता होगी कि 2015 के टाइम में अरविंद केजरीवाल क्या हुए थे, मुख्यमंत्री बने थे। तो जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो वो वहां पर उनकी जो सरकार थी वो गठबंधन की सरकार थी, और ठीक कुछ दिनों बाद ही 45 या 49 दिनों बाद क्या हुआ कि उनकी सरकार में थोड़ी दिक्कतें वगैरह आई और उसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ गया। अब वहां पर क्या हुआ, वहां पर स्थिति ये आ गई कि वहां पर कोई सरकार नहीं रही। हालांकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है, बट काम उसी टाइप से ही होगा अगर आप इमरजेंसी लगा रहे हैं तो वहां पर इस्तीफा दिया उन्होंने।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो कोई चलाने वाला तो है नहीं, तो वहां पर क्या रूल लग जाएगा, वहां पर रूल जो लग जाएगा वो प्रेजिडेंशियल रूल लग जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है ना यहाँ पर प्रेजिडेंट रूल, इसको इमरजेंसी हम नहीं कहेंगे, बट ये काउंट आपका स्टेट इमरजेंसी में ही होता है। तो जब किसी राज्य की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, वहाँ की सरकार सही से काम नहीं कर पा रही है, वहाँ पर विद्रोह बहुत ज़्यादा हो रहा है उस राज्य में, ठीक है, और सही तरीके से प्रशासनिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर राज्य के लिए हम स्टेट इमरजेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको प्रेजिडेंशियल रूल भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और हम इसमें देख लेंगे मणिपुर को, ठीक है। मणिपुर अभी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर रिबेल हो रहा है, ठीक है, और भारत की मीडिया उसको बिल्कुल भी नहीं दिखा रही है, ना जाने क्या कारण है उसके, वो बात अलग है। तो खैर वहाँ पर एक ऐसी स्थिति बनी हुई है ना कि वहाँ पर प्रेजिडेंशियल रूल लग सकता है, हालांकि यूनियन गवर्नमेंट पूरा इस पर ध्यान दे रही है, अभी के टाइम पे तो दे ही रही है, ठीक है। तो आप स्थिति समझ रहे हैं कि जब एक राज्य की स्थिति खराब हो जाए तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्टेट इमरजेंसी यानी कि आर्टिकल नंबर 356 का इस्तेमाल करेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजिडेंशियल रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन। आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे राज्य ऐसे होते हैं जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, ठीक है। आप तो ये समझिए 1967 का जब चुनाव हुआ था, इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, तो मैंने बताया था ना आपको कि उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे राज्यों में उनकी सरकार नहीं बनी थी, ठीक है, और वहां पर सरकार किसकी बनी थी, संयुक्त विधायक दल की, यानी कि सब आपस में मिलीजुली सरकार बनी थी, तो वहां पर वो सरकार ने ना चली नहीं। अब जब सरकार चलती नहीं है, सरकार गिर जाती है, तो उस राज्य को कौन संभालेगा, उस राज्य को यूनियन गवर्नमेंट संभालेगी, और किस आधार पर संभालेगी, स्टेट इमरजेंसी के नाम पर प्रेजिडेंशियल रूल के हिसाब से, ओके। तो दूसरा हो गया आपका प्रेजिडेंशियल रूल यानी कि दूसरी इमरजेंसी। तीसरी जो इमरजेंसी है वो है आपकी आर्टिकल नंबर 360, जो कि कहलाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। फाइनेंशियल आप समझ गए होंगे, यानी कि एक आर्थिक आपातकाल है ये, यानी कि जब देश में आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो जाती है तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर वो होता है एक ऐसा मतलब टाइम पीरियड होता है जब आपके देश की स्थिति में मतलब बहुत सारा पैसे की दिक्कत आ जाए, व्यापार आपका ना चले बहुत ज़्यादा, और आपके मान लीजिए वॉर वगैरह चल रही है देश पर, तो कर्जा वगैरह जब बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति को टैकल करने के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा वाला, आर्टिकल 360, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये तीन टाइप की क्या है आपकी इमरजेंसी के टाइप हैं एक तरीके से, जिसको एक हमने बोला नेशनल, जो कि पूरे भारत के लगी, जो कि आर्टिकल नंबर 352। जो दूसरा आपका है वो है आपका आर्टिकल नंबर 356, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी, जो कि एक पर्टिकुलर राज्य पर लगती है। और एक आपका होता है आर्टिकल नंबर 360, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ऐसी इमरजेंसी कब लगती है फाइनेंशियल, जब आपके राज्य की या फिर आपके देश की जो आर्थिक स्थिति हो बहुत ज्यादा खराब हो। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्ट्री, एक तरीके से एक ऐसी हिस्ट्री जिसमें हम ये जानेंगे कि भारत में अब तक कितनी इमरजेंसी लागू हुई है, ठीक है। हालांकि जो आपने नेशनल इमरजेंसी मैंने आपको जो बताया 352 के अनुसार, वो भारत में अब तक एक बार ही लागू करी गई थी, और वो लागू करी थी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही 1975 में, ठीक है। तो जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी वाली लागू करी थी 1975 वाली, उससे ठीक पहले दो इमरजेंसी हमारे भारत में लग चुकी थी, ठीक है। और वो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी नहीं थी, वो थी हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। फाइनेंशियल में क्या होगा, आपके देश की आर्थिक स्थिति खराब होगी, और आर्थिक स्थिति कब खराब होती है, जब मान लीजिए आपका व्यापार सही से ना चले, मानसून की दिक्कत आ जाए, इन सब चक्करों में, या फिर मान लीजिए आपके देश का वॉर जो चले। तो ठीक 1975 से पहले भारत के कितने वॉर हुए थे, बहुत सारे वॉर तो हुए थे, बट आपने वो टाइम देखा होगा एक 1962 वाला। 1962 में क्या हुआ था कि इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, और उसकी वजह से देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो एक ये वाला लगाया 1962 में फाइनेंशियल, और एक वॉर आपको और पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में। तो जो दो वॉर हुई हैं इसकी वजह से हमें भारत में एक बार दो बार आपातकाल लग चुका था, और ये दोनों के दोनों कौन से थे, फाइनेंशियल वाले। जो थर्ड वाला था, थर्ड और हम लास्ट ही कही एक तरीके से, मतलब अच्छी बात नहीं होती किसी देश में इमरजेंसी लगना, मतलब आप खुद नहीं चाहेंगे कि भारत में कोई बांग्लादेश जैसी स्थिति है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आखिरी ही हो खास ये। खैर तो वो लगा था हमारा 1975 से लेकर के 1977 तक, जो कि आपका नेशनल इमरजेंसी था, ठीक है। तो भारतीय इतिहास को अगर सही से देखा जाए नेशनल इमरजेंसी की ओर से, तो तीन लगे थे, ठीक है, जो कि आपका 1962 से 68 तक पहला वाला, और इसमें होगा आपका फाइनेंशियल वाला ही था ये, ठीक है। जो दूसरा वाला है 1971, इसमें भी वही वाला है, और ये की है नेशनल इमरजेंसी, जो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगाया गया था, ठीक है। ये वो वर्ड है, देखिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि
आंतरिक जो दिक्कतें आई थी भारत में, ठीक है, उसकी वजह से इंदिरा गांधी ने लगाया था। हालांकि आज के टाइम पे इस आधार पर आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो भारत में अगर देखा जाए तो अब तक इमरजेंसी 3 बार लगाई गई है, 1962 से 1968 तक, 1971 में एक, और एक लगी थी 1975 टू 1977 में, ठीक है। जो ये दोनों आप देख रहे हैं, ये जो दोनों के दोनों हैं, ये हमारी फाइनेंशियल है, ठीक है। तो फाइनेंशियल में उतनी जनता को दिक्कत वगैरह वैसी नहीं होती है कि आपके अधिकार वगैरह छीने जाएंगे, सभा वगैरह नहीं कर पाएंगे, ऐसी दिक्कत नहीं होती है। वो जो होती है वो इस वाले में होती है, ठीक है। तो इसीलिए इस वाले को ज़्यादा मतलब बताया जाता है कि ये वाला जो इमरजेंसी वाला पीरियड था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बैकग्राउंड टू दी 1975 नेशनल इमरजेंसी, यानी कि भारत में आखिर जो नेशनल इमरजेंसी लागू करी गई थी वो क्यों करी गई थी, आखिर उसका इतिहास क्या था, उसके मतलब आर्थिक संदर्भ हम देखेंगे वैसे कि किन किन कारणों की वजह से उसमें जो भारत में आपातकाल लगा था, ठीक है। तो ये कुछ कारण हैं, जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, पब्लिक डिसकंसर्न है, नक्सलाइट मूवमेंट चल रहा था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिसकंसर्न, और रेलवे स्ट्राइक, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशियरी, ये सब कुछ आप देख रहे होंगे, ये सब कुछ रीजन है जिसकी वजह से भारत में आपातकाल लगा। देखिए आप सबको पता है 1971 के टाइम में क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश का वॉर हुआ। भारत और बांग्लादेश की जब वॉर हुई थी तो उसकी वजह से क्या हुआ था, पाकिस्तान की वॉर हुई है, बांग्लादेश को लेकर के हुई है। तो बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी जो थे ना वो इंडिया में चले आए थे। जब वो इंडिया में चले आए थे तो उनकी जो लगभग संख्या थी वो लगभग थी कम से कम 80 लाख के आसपास, ठीक है। तो 80 लाख लोग एक तरीके से आप ये समझिए कि इंडिया में आ गए हैं, किस टाइम, 1971 के टाइम पे। तो उनका जो भार होगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, ठीक है। ठीक इसी टाइम ही 71 के टाइम में ही क्या हुआ था कि जो हमारी चीज़ों के रेट वगैरह थे, एक तरीके से मान लीजिए इन्फ्लेशन कह लीजिए आप तरीके से, फिर महंगाई वगैरह कह लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर आ गया था, ठीक है। दूसरा, तीसरा, यही वो टाइम है, मतलब अभी हम बात करें 75 से पहले क्या क्या हो रहा है। इसी टाइम में क्या हुआ था, भारत में मानसून की एक दिक्कत आ गई थी, ठीक है। मानसून की वजह से क्या हुआ, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा भारत है, वो भारतीय जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पर डिपेंड रहता है। तो ये इसकी एक दिक्कत आई कि मानसून सही टाइम पर नहीं आया तो फसलें खराब हो गई, ठीक है। इसी काल में क्या हुआ 75 से ठीक पहले कि जो महंगाई अपने एकदम चरम पर थी, ठीक है, और जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो भी बहुत कम हो गया था, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान की वॉर की वजह से क्या हुआ कि अमेरिका ने हमारा साथ देना बंद कर दिया, अमेरिका की तरफ से जो हमें सपोर्ट मिल रहा था ना वो भी बंद हो गया, ठीक है। ये सब एक टाइम पे ही हो रहा है, 75 से ठीक पहले हो रहा है, ठीक है। इसी बीच में क्या हुआ कि देश और विदेश में तो दिक्कतें थी ही, इसी बीच में क्या होता है कि दो स्टेट आपके ऐसे हैं, एक है आपका गुजरात, ठीक है, और एक है आपका बिहार, ठीक है। इन दोनों ही जगहों पर, हालांकि पूरे भारत में ही कांग्रेस की सरकार थी राज्यों में भी, इन दोनों जगहों पर भी क्या था, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ठीक है। 1974 के आसपास में, 1974 के जैन में तो गुजरात में हुआ छात्र आंदोलन, और यहाँ पर मार्च में हुआ 1974 में, मतलब कि एक तो दिक्कतें इतनी चली रही हैं, उसी बीच में इन दो राज्यों में भी क्या होता है, जो छात्र होते हैं ना वो आंदोलन शुरू कर देते हैं, और वहाँ का आंदोलन भी उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के है, महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के। तो जो गुजरात वाला जो आंदोलन चल रहा था आपका छात्र आंदोलन, इसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, इसको जो हेड कर रहे थे एक तरीके से, मान लीजिए जो नेतृत्व कर रहे थे गुजरात में, गुजरात में कौन करेंगे, मोरारजी देसाई करेंगे, ठीक है। और मोरारजी देसाई तो इतने ज़्यादा मतलब इस आंदोलन को संभाल रहे थे कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर यहाँ पर इन चीज़ों को नहीं संभाला गया तो मैं भूख हड़ताल पर आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें आई, और गुजरात में जो विधानसभा थी उसको भंग करना पड़ा, ठीक है, और तुरंत इलेक्शन भी कराने पड़े, और इलेक्शन में कांग्रेस हार गई। इसी टाइम की बात है, जो अभी बैकग्राउंड ही चल रहा है आपका, मतलब मैं देश की स्थिति बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ठीक इसी टाइम पे जो आपका ये बिहार था, इस बिहार में भी हुआ, आपने बिहार की राजनीति में दो नाम सुने होंगे जो बहुत फेमस हैं आज के टाइम पे, एक लालू यादव और एक नीतीश कुमार। ये जो दो नाम आप सुनते हैं ना वो इसी टाइम के हैं। ये जो बिहार का जो छात्र आंदोलन चला वो इसमें इन दोनों नेताओं की लालू यादव की और नीतीश कुमार की बहुत ही ज़्यादा भूमिका थी एक तरीके से। तो यहाँ के भी छात्रों ने सेम वैसा ही आंदोलन किया जो कहाँ पर चल रहा था, गुजरात में। गुजरात में तो सरकार गिरा दी गई, इतने बड़े स्तर पर वहाँ पर आंदोलन हुआ कि कांग्रेस की।
ठीक बिहार में भी ऐसा हुआ, और बिहार में जो ये जो छात्र नेता थे उन्होंने बोला कि हमारे भी आंदोलन का कोई नेतृत्व बढ़िया व्यक्ति करना चाहिए, और इसमें जो आपका नेतृत्व हुआ वो कैसे हुआ, ये जो नेतृत्व किया वो जेपी नारायण ने किया, ठीक है। जेपी नारायण जो थे सक्रिय राजनीति से अब उतने जुड़े हुए नहीं थे, मतलब राजनीति में नहीं थे बट वो सोशल काम कर रहे थे रूट लेवल पे जो भी हो। तो जो छात्र नेता होते हैं बिहार के वो कहते हैं कि हमारा जो आंदोलन है वो बड़े स्तर पर जाना चाहिए ताकि हमारी भी दिक्कतें सॉल्व हों जो सरकार के खिलाफ हैं। तो जेपी के पास जाते हैं, जेपी दो शर्तें रखते हैं कि इस आंदोलन को चलाने का। पहली शर्त तो ये वो ये रखते हैं कि जो हमारा आंदोलन होगा वो हिंसक नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। और दूसरा वो ये रखते हैं कि हमारा जो आंदोलन चलेगा वो केवल बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, और अगर आप इन दोनों शर्तों पे अमल करते हैं तो मैं आपके आंदोलन का नेतृत्व करूंगा, ठीक है। और इन दोनों बातों पर छात्रों ने अमल करा कि ठीक है हम मतलब इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने देंगे, अहिंसक तरीके से चलाएंगे, और ये केवल बिहार तक नहीं रहेगा, ये दिल्ली तक जाएगा। दिल्ली जाना मतलब नॉर्मल सी बात है, प्रधानमंत्री के पास आना, ठीक है। तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड मतलब समझिए कि आप तैयार हो रहा है इमरजेंसी को लेकर के, देश में ये सब दिक्कतें चल रही हैं। 1973 में 74 की दिक्कत है ये, 1974 में एक और दिक्कत ये आई कि जो रेलवे के कर्मचारी थे ना, रेलवे के कर्मचारी, उन्होंने भी स्ट्राइक कर दी, और इसका जो नेतृत्व किया वो किया जॉर्ज फर्नांडिस ने, ठीक है। जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या किया, रेलवे के जो स्ट्राइक चल रही थी उसको लेकर के नेतृत्व किया, और रेलवे की स्ट्राइक किस चीज को लेकर के है, रेलवे की स्ट्राइक लेकर के है उनके कार्यभार को कम करने को लेकर के, रेलवे के जो कर्मचारी हैं, और जो दूसरा था उनके बोनस से जुड़ा हुआ था। हालांकि ये स्ट्राइक उतना फेमस या फिर सफल नहीं हुआ क्योंकि इससे सरकार ने अच्छा घोषित नहीं किया, फिर इसको बंद करना पड़ा, बट फिर भी इसका इम्पैक्ट देखा जाता है कि उसी टाइम मतलब इमरजेंसी के ठीक पहले रेलवे स्ट्राइक भी चली थी। तो आप चीज़ें समझिए कि भारत में जब आप आजकल लगने जा रहा है तो कितनी सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। इसी बीच में जो आप ये नक्सलाइट मूवमेंट देखते हैं ये पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े स्तर पर हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, देखिए नक्सलाइट मूवमेंट का मतलब समझिए पहले आप। नक्सलाइट मूवमेंट का मतलब है, एक तो पहली बात ये एक विचारधारा है, विचारधारा ऐसी है कि ये लोग संसदीय राजनीति पर भरोसा नहीं करते हैं, इनको ऐसा लगता है, नक्सलाइट की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो ये राजनेता हैं, नेता वगैरह हैं, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए राजनीति में जुड़े हुए, तो हमें उनको हटा देना चाहिए और खुद शासन करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो नक्सलाइट मूवमेंट आप देख रहे हैं ये भी उसी टाइम ही अपने चरम पर था, और पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सरकार के पास पैसा नहीं था इस टाइम, ठीक है, 71 के बाद की स्थितियां हैं ये, सरकार के पास पैसा नहीं था। अब सरकार के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं उनको पैसा ही नहीं मिल रहा है, उनकी सैलरी तक नहीं मिल रही है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत सारा ये समझिए आपकी बहुत सारे जो परिवार हैं वो इससे अफेक्ट होंगे क्योंकि उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में जुडिशरी के साथ एक दिक्कत ये आती है कि भारतीय संविधान के हिसाब से क्या था कि जो आपके CJI होते हैं, ठीक है, CJI मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, सुप्रीम कोर्ट, इसके जो CJI होते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो होते हैं वो एक वरिष्ठ वकील को बनाया जाता है, वरिष्ठ न्यायाधीश को, ठीक है। इसके साथ दिक्कत क्या हो गई कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही, कि जस्टिस ANRAY को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया, CJI बना दिया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने जो वरिष्ठ थे उनको ना बना करके अपनी तरफदारी करने वाले व्यक्ति को CJI बना दिया। अब आप खुद सोचिए कि जो सरकार है उस सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में ही अपना एक व्यक्ति बिठा दिया, ठीक है। तो आप ये सारी सिचुएशन समझिए कि देश में कितनी सारी दिक्कतें हैं, और ये सब दिक्कत कब की है, 1971 से 75 के बीच की दिक्कतें हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इस बीच में एक और दिक्कत आती है, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, ये सब तो चल ही रहा है, यानी कि इंदिरा की सरकार के खिलाफ ये सारी चीजें चल रही हैं। उसी बीच में एक दिक्कत आती है, 12 जून का एक फैसला। 12 जून का फैसला क्या था, 12 जून का फैसला ये आता है जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का, जो कि अलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, उनका फैसला ये आता है कि इंदिरा गांधी ने जहां से चुनाव लड़ा है वो गैर तरीके से चुनाव लड़ा है। चुनाव लड़ने का मतलब यहां पर यह है कि चुनाव में उन्होंने क्या किया था कि सरकारी कर्मचारी का इस्तेमाल किया था,
जो कि अलाउ नहीं था, और उसकी सहायता से एक तरीके से मानिए कि उन्होंने चुनाव जीता या फिर चुनाव में काम आम करवाया, इसकी वजह से उनके इस इलेक्शन को इनवैलिड करार दे दिया गया जो कि 12 जून को आया। अब आप ये समझिए कि देश में इतनी सारी दिक्कतें हैं पहले से ही, ये पूरे के पूरे जो सरकार को घेरने के लिए जो चीज़ें चल रही हैं पीएम के खिलाफ, उसी बीच में जनता के बात में क्या, जनता को एक बात और क्या पता चल गई कि इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़ा था वो गलत तरीके से लड़ा था। नॉर्मल सी बात है, ये काफी ट्रिगर्ड वाला मतलब मामला हो जाएगा, ठीक है। इसी बीच में 24 को एक और आ जाता है एक तरीके से, 24 को वैसे स्टे लग जाता है इस वाले पे, इंदिरा गांधी वाला जो इलेक्शन था, बट इनको ऐसा कह दिया जाता है कि आप पार्टिसिपेट कर सकती एक तरीके से इसके अंदर, पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, बाकी आप पीएम वगैरह बनी रहेंगी, ठीक है, इस इलेक्शन में, ठीक है। और 12 जून और 24 जून की जो दिक्कतें हैं, ये जो दिक्कतें हैं, और एक दिक्कत और बताता हूँ जिसकी वजह से दिक्कत आई इमरजेंसी के ऊपर, ठीक 1975 के टाइम पे ही आया था बांग्लादेश का एक और क्राइसिस, ठीक है। बांग्लादेश का क्राइसिस क्या आया कि ठीक जो बगल वाला देश है बांग्लादेश, वहाँ पर जो शेख मुजीब रहमान उनके खिलाफ क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था, संविधान में बदलाव करके अपनी ही पार्टी को सिर्फ अलाउ किया कि वो इलेक्शन लड़ सकती है, बाकी पार्टियों को उन्होंने रोक लगा दी। इसकी वजह से क्या हुआ कि बांग्लादेश में वहाँ की जो वो थी ना आर्मी, वो उनके घर पहुँचती है और पूरे मतलब ये समझिए शेख मुजीब को, उनकी वाइफ को, उनके नौकर को, जो भी वहाँ पर काम करता है सबको मार देती है। 1975 की घटना है ये, ठीक इमरजेंसी लगने से पहले भारत में। अब ये वाला जो कंसर्न है ये इंदिरा गांधी के पास ही पहुँचता है, इंदिरा गांधी इससे डर जाती हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, ठीक है। और इसको लेकर के समझिए देश की स्थिति आप, मतलब कितनी भयावह हो चुकी है 75 से पहले, ठीक है। और फाइनली ऐसा आता है कि इंदिरा गांधी को कॉल करना पड़ता है फखरुद्दीन अली अहमद को, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनते हैं, असम के हैं ये, ठीक है। और उनको बोला जाता है कि देश में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, ठीक है। आपातकाल की घोषणा जब होती है, इसे ठीक पहले कुछ घटनाएं और भी घटती हैं, जैसे कि जो जेपी थे, जेपी ने एक मार्च निकाला जिसको संसद मार्च भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, संसद मार्च, जो कि मैंने कहा था ना आपको कि ये बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, कहां तक जाएगा, वो दिल्ली तक जाएगा, तो संसद मार्च भी निकाला था। और इस बीच में जेपी ने एक चीज की और घोषणा ये कर दी थी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो आर्मी हैं, जो पुलिस है, वो सरकार की बात ना सुने। तो आप खुद सोचिए कि सरकार के खिलाफ कितनी मतलब बड़ी साजिश होने जा रही है एक तरीके से, या फिर इन सब चीज़ों को मना किया जाएगा। तो ये स्थिति इंदिरा गांधी पे भी आ सकती थी कि जो घटना कहाँ घटी, जो घटना बांग्लादेश में घटी वो यहाँ पर भी घट जाए, ठीक है। और इन सब कारणों की वजह से क्या हुआ, इमरजेंसी को लगा दिया गया, ठीक है। तो इमरजेंसी जो आपकी लगाई गई वो लगाई गई 25 जून 1975, ठीक है। 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगा दिया गया, कारण आपको समझ आ गए हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें क्या पूछेगा कि भारत में जो आपातकाल लगा उसके क्या क्या कारण थे, वो सभी आपको कारण बताने हैं, और 6 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लग गया। अब आपातकाल लगने के बाद क्या क्या हुआ, देखिए सबसे पहले तो क्या कर दिया कि जो भी न्यूज़पेपर वाले जो ऑफिसेस थे उनकी लाइट को कट कर दिया गया कि वो कुछ भी सरकार के खिलाफ ना छाप सके, ठीक है। दूसरा ये कर दिया गया कि प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। प्रेस सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो भी अब प्रेस है उनको कुछ भी अगर छापना है तो सरकार से पूछना पड़ेगा, ठीक है। भारत में आपातकाल लग चुका है, उसके बाद की घटनाएं हैं ये। तो सबसे पहला रात भर में क्या किया उन लोगों ने, ऑफिसेस जो थे उनकी लाइट कट कर दी। दूसरा प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी, ठीक है। और 25 जून के बाद अगले दिन 26 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में इन्फॉर्म किया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा कि भाई हमने आपातकाल लगा दिया। हालांकि आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है उसमें क्या होता है कि सभी मिनिस्टर को बोलना होता है। बेसिकली मीटिंग का मतलब क्या है कि मीटिंग का मतलब एक जो हेड है वो बोलेगा और जो मिनिस्टर्स है वो बोलेंगे, बट इंदिरा गांधी की जो मीटिंग हुआ करती थी ना उसमें केवल एक ही व्यक्ति को बोलने का अधिकार था, वो केवल इंदिरा गांधी थी। इतनी मतलब उनकी धाक थी, या फिर वर्चस्व कहिए, फिर पावर कहिए। तो इंदिरा गांधी ने इनको इन्फॉर्म किया है कि भाई आपातकाल मैंने लगवा दिया है, ये नहीं कि उनसे पूछ रही है, वो कह रही है कि हमने आपातकाल लगा दिया है, ठीक है। और फाइनली इंदिरा गांधी एड्रेस करती हैं पूरे नेशन को ऑल इंडिया रेडियो के जरिए 26 जून 1975 को कि भारत में स्थिति जो है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस, हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक गतिरोध कहेंगे हम एक तरीके से, और उसकी वजह से भारत में आपातकाल लगाया गया, ठीक है, आंतरिक गति
सॉरी, ठीक है। तो ये रीजन था जिसकी वजह से भारत में आपातकाल लगाया इंदिरा गांधी ने, ठीक है, 25 जून 1975 को। ओके चलिए अब बात करते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी। देखिए कंसिक्वेंसेस क्या है, यानी कि जब भारत में आपातकाल लग गया, देश को बता दिया गया कि आपातकाल हमने लगा दिया है, आंतरिक गतिरोध की वजह से लगाया है, तो अब उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंस पूछा जाता है एक तरीके से कि क्या परिणाम आए, तो इसके बहुत सारे परिणाम थे। पहला तो परिणाम यही आएगा कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट थी सबकी सब सस्पेंड हो जाएंगी एक तरीके से। सस्पेंड क्या मतलब, रहेंगी बट पावर किसके पास चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो सारी की सारी जो पावर थी वो सेंट्रलाइज हो गई एक तरीके से, और यूनियन गवर्नमेंट जो है सारी की सारी पावर उनके हाथ में आ गई, ठीक है, पहला। दूसरा ये हुआ कि जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े होंगे आपके पास सबके पास हैं, वो जो थे वो सारे के सारे सस्पेंड कर दिए गए। तीसरा ये हुआ कि जो मीडिया थी उस मीडिया को ये तक बोल दिया गया कि आप कुछ भी नहीं छाप सकते, ठीक है, आपको कुछ भी छापना है पहले आप हमसे परमिशन लीजिए। तो एक तरीके से आप तानाशाही समझिए इस चीज को कि मीडिया तक को रोक दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए जितने भी नेता थे, मैंने नाम लिए ना आपको, लालू यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, जेपी हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, जितने बड़े बड़े नेता थे वो सबके सब जेल में, रात भर में जेल में चले गए 25 जून के बाद। ये होती है पावर इमरजेंसी की, इस चीज से बचने का एक यही तरीका था इंदिरा गांधी के पास कि इमरजेंसी ही लगा सकती थी वो, ठीक है। और एक ये हुआ, इसके बीच में एक घटना और घटी कि आप जो है इमरजेंसी के दौरान क्या नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, स्ट्राइक नहीं कर सकते, मतलब जो भी हड़ताल वगैरह होती है ना, ये सब चीजों पर रोक लगा दी गई, ठीक है। ये क्या है आपका, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, इनको डिफाइन कर सकते हैं। इसी बीच में क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा कि 12 जून को जगमोहन लाल सिन्हा ने, जो अलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने क्या कहा था कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव लड़ा, तो उसके ऊपर वो गलत इनवैलिड करार दे दिया। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इमरजेंसी के वक्त ही एक संविधान में संशोधन किया, 1976 का अमेंडमेंट कहते हैं इसको हम, 42nd अमेंडमेंट, जो कि काफी ज्यादा विवादास्पद अमेंडमेंट रहता है आपका ये, और मतलब कॉन्ट्रोवर्सी। इसमें उन्होंने क्या किया कि जिस नियम के जरिए उनका चुनाव को इनवैलिड करा गया था ना, इनवैलिड करार दिया गया था, उस नियम को ही बदल दिया, ठीक है। यानी कि उन्होंने पहला क्या कर दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसके चुनाव को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। सोचिए आप एक बात कि इस देश में नियम क्या ही है, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए नियम कुछ नहीं है, अगर कोई भी नियम है वो उसको आसानी से बदल सकता है, तो वो नियम किसके लिए है, केवल आम जनता के लिए, ठीक है। तो एक जो देश होता है ना, उस देश में सबसे ज्यादा अगर पावरफुल कोई है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो चाहे वो कर सकती है। यहाँ पर आप खुद समझिए कि जिस नियम के जरिए इंदिरा गांधी को इनवैलिड करार दिया गया चुनाव को लेकर के, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और ठीक संविधान में बदलाव कर दिया कि ऐसा अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरा काम क्या कर दिया, अभी आपको पता होगा कि इलेक्शन कब हुए थे, 1971 में हुए थे, ठीक 5 साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं, यानी कि अगले टाइम पे इलेक्शन होंगे। और आपको क्या लगता है कि अगर मैं इलेक्शन करा दूं 75-76 में, जो कि 75 में तो इमरजेंसी आपने लगा ही दी, तो इलेक्शन का टाइम भी नजदीक है, तो आप इलेक्शन जीत पाएंगी, इंदिरा गांधी नहीं जीत पाएंगी। तो इस वजह से इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जो टेन्योर होता है ना, लेजिस्लेटर टेन्योर जो होता है, उसको एक्सटेंड कर दिया 5 साल से 6 साल। खुद सोचिए, यानी कि इन्होंने संविधान में एक और बदलाव कर दिया कि जो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो 5 साल का नहीं 6 साल का है। आप ये चीजें समझिए कि इमरजेंसी को क्यों गलत बताया जाता है जो उन्होंने किया, ठीक है। तो काफी ज्यादा विवादास्पद अमेंडमेंट सही है जो उन्होंने इमरजेंसी के दौरान किए, ठीक है। तो इमरजेंसी आपकी चली कम से कम 18 महीने तक चली, ठीक है। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी, और ठीक उसको 1977 में क्या होता है, इमरजेंसी को हटाया जाता है, जो भी दिक्कतें हुई मैंने आपको बताया ही था। उस इमरजेंसी में एक चीज़ और हुई थी, संजय गांधी जो उनके बेटे हैं, ठीक है, उन्होंने जो दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ पर जबरन नसबंदी कर दी लोगों की। हालांकि इमरजेंसी के दौरान काम भी हुए थे, बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए गए थे इंदिरा गांधी के द्वारा, लेकिन फिर भी वो सभी काम 77 के चुनाव में कोई मतलब फ़ायदा नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि स्थिति आपको मैंने बताई, स्थिति आपने खुद देखी कि स्थितियाँ कैसी थी, फंडामेंटल राइट्स चले गए लोगों के। और इस आधार पर आप अगला जब इलेक्शन कराएंगे तो ये जाहिर सी बात है कि आप चुनाव में हारेंगे, और ठीक ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो जो आपका 77 का चुनाव हुआ, जो कि आपका 6th जनरल इलेक्शन होगा 77 का चुनाव, ठीक है, इसमें पहली बार ऐसा होता है कि कांग्रेस केवल 154 सीटें ही जीत पाती है। और फाइनली ऐसा हुआ पहली बार भारत में कि भारत में नॉन कांग्रेस कोई सरकार आने वाली हो, ठीक है। तो
जो 67 का सॉरी 77 का जो चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस जो पार्टी थी, कांग्रेस ओ जिसको हम कहते हैं, सॉरी कांग्रेस आर है ना, कांग्रेस आर थी ना एक तरीके से, रिक्विजनिस्ट, आप कांग्रेस ही समझिए, खैर इसको आर रहने दीजिए। तो कांग्रेस को केवल मिली है 154 सीटें, और 154 सीटें जो होती हैं उसमें आप नॉर्मल सी बात है सरकार तो नहीं बना पाएंगे लोकसभा में, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, दो नेता थे, मोरारजी देसाई, ठीक है, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, ठीक है। ये जो तीन नेता आप देख रहे हैं, तीनों की अपनी अलग अलग पार्टी थी, ठीक है। भारतीय लोकदल आपने सुना होगा, ठीक है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, और मोरारजी देसाई की अपनी वही जो कांग्रेस से निकल के नेताओं के साथ बनी थी वो पार्टी थी। इन तीनों नेताओं ने मिलकर के गठबंधन किया था, और भी बहुत सारी जितनी भी ऑपोजिशन की पार्टी थी सभी मिल गई थी इंदिरा गांधी को हराने के लिए। नॉर्मल सी बात है कि ऐसी जब तानाशाही बढ़ती है ना तो जितनी भी ऑपोजिशन हैं वो सब एक हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी के समय में भी मतलब ऐसा चल रहा है कि अगर आप 2024 से पहले आप देखें तो आप ये पाएंगे कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ठीक है, भले ही मतलब वो संविधान के हिसाब से ही हो रहा है, बट फिर भी आप देखेंगे ना तो मोस्ट जो सीएम है, जैसे कि मान लीजिए झारखंड के सीएम हो गए, या फिर मान लीजिए दिल्ली के सीएम हो गए, ये सब कहाँ है, जेल में है, अभी तो वैसे बाहर आ गए हैं, बट यही स्थिति आपको समझनी है 77-75 के आसपास में, जिस टाइम क्या हुआ था, ये सब घटनाएं घटी, तो वो तो और बड़ी घटनाएं घटी हैं, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है, अगर ये लोग इसी पे हार मान ले रहे हैं कि ये सरकार आकर के मजा ऐसा कर रही है, तो इंदिरा गांधी के हिसाब से तो ये कुछ है ही नहीं बेसिकली। तो 77 के चुनाव में सारी की सारी जो अपोजिशन है आपकी वो एक हो गई है, और इनका एक ही नारा है, वो है आपका सेव डेमोक्रेसी, ठीक है भाई, सेव डेमोक्रेसी। नॉर्मल सी बात है ये हिट करेगा, है ना, स्थितियाँ पता ही है, स्थिति कैसी, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और जनता को पता चल चुका है कि ये जो सरकार आई है इंदिरा गांधी की सरकार, जो इन्होंने इमरजेंसी लगाई उसमें उन्होंने अपनी तानाशाही दिखा दी, और फाइनली पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में एक नॉन कांग्रेस सरकार बनी, और उस गठबंधन को बोलते हैं जनता पार्टी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें, जनता पार्टी क्या है, एक गठबंधन की सरकार, इसको जनता पार्टी कहा गया, ठीक है। और इनकी सरकार बनती है पहली बार 77 के चुनाव में, क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी की सरकार नहीं बनी, तो इंदिरा गांधी चली गई ऑपोजिशन में, ठीक है, विपक्ष में। इंदिरा गांधी की सरकार जो होती है वो नहीं बनती है, और इनकी सरकार बन जाती है, इसमें कुछ पार्टियां होती हैं, कांग्रेस ओ जो कि मोरारजी देसाई, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, यही भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी आज के टाइम पे है, लोकदल, भारतीय लोकदल जिसको हम कहते हैं, और एक पार्टी है लास्ट में कौन सी, बाबू जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और इन सब ने मिलकर के कांग्रेस को बुरे तरीके से हराया, और फाइनली वो जीत गए, ठीक है। अब यहां पर जो जीते, अब आपको कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना है, आप चीज देखिए, आपको पता है नेहरू की डेथ हुई थी, जब नेहरू की डेथ हुई थी तो मैंने कहा था कि सॉरी मैंने नहीं क्या कहा मतलब कि ये बात हुई थी कि नेहरू की डेथ के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। तो शास्त्री और मोरारजी का नाम आया, और शास्त्री क्या हो गए थे, प्रधानमंत्री बन गए, तो मोरारजी देसाई को उस टाइम दरकिनार कर दिया गया कि शास्त्री जी हैं वो चलाएंगे, आप नहीं चलाएंगे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फिर शास्त्री की जी की डेथ होती है, फिर बात आती है कि मोरारजी को तो बन जाना चाहिए अब, लेकिन फिर वहां पर अड़ंगा अड़ंगा कह लीजिए उनके आ जाना, या फिर जो भी दिक्कत हो उसमें इंदिरा गांधी बन जाती है, फिर मोरारजी नहीं बन पाते हैं, ठीक है। अब आज के टाइम में यानी कि 77 का चुनाव ऐसा है कि उन्होंने इंदिरा गांधी को ही हरा दिया है और उनका गठबंधन जीत गया है, तो फाइनली मोरारजी देसाई को बनना चाहिए प्रधानमंत्री, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं होता है, मतलब होता है बट दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि ये जो दो नाम तीन नाम मैंने आपको बताए, जब 77 का चुनाव जब जीपी जीते मतलब जनता पार्टी जब जीती, तो इसमें अकेले मोरारजी देसाई जो थे ना वो केवल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे, यहां पर दो और हैं, कौन कौन से, बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, क्योंकि इनकी पार्टियों ने भी तो नंबर ऑफ सीट्स लाई है, इनके भी समर्थक है, तो खींचतान चल गई भाई कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो फाइनली बाद में डिसाइड होता है कि हम तीनों ही बनेंगे, और कुछ कुछ कार्यकाल के लिए बनेंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग में कौन बनेगा, मोरारजी देसाई। तो इंदिरा गांधी की सरकार के बाद जब 77 में चुनाव हुए थे उसमें जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें कौन बना प्रधानमंत्री, वो बने हमारे मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। और दो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हालांकि आज के टाइम पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं है, उस टाइम थी, तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर दो बनते हैं, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, ठीक है। अब ये सरकार भी चलती है, और मोरारजी देसाई की सरकार 77 में, और ये ज्यादा नहीं चलती है, कुछ टाइम तक ही चलती है, ठीक है। और फिर फाइनली
मोरारजी देसाई को हटना पड़ता है और चौधरी चरण सिंह फिर अगले प्रधानमंत्री बनते हैं। यानी कि मोरारजी देसाई को बीच में जाना पड़ा, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि तीनों में खींचतान है, कुछ टाइम के लिए ये बनेंगे तो इनको हटना पड़ा, फिर चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस ने समर्थन दिया था कि आप आइए, हम आपको समर्थन देंगे, आप प्रधानमंत्री बनिए। बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। अब जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो इसमें फूट पड़ गई, जनता पार्टी की जो सरकार थी ना, इसमें फूट पड़ गई। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी को इस बात के बारे में पता चला कि अगर मैं समर्थन खींचती हूं तो ये तीनों मिलकर तो सरकार नहीं बना पाएंगे, ठीक है, तो 1980 के टाइम में, 1980-89 के टाइम में इंदिरा गांधी चौधरी चरण सिंह का समर्थन खींच लेती हैं और फाइनली जो जनता पार्टी की सरकार है वो बीच में ही चली जाती है। यानी कि 77 से वैसे इनको जो कार्यभार मिला था वो 82 तक का तो मिला था, लेकिन वो चला पाए क्या? नहीं चला पाए भाई, 80 में ही चले गए। तो इस टाइप से 77 की जो राजनीति हुई, जो 6th जनरल इलेक्शन हुआ, वो 3 साल तक ही चला, 3 साल भी नहीं, 2 साल 2.5 साल आप कह सकते हैं। और 80 में हमको मध्यावधि चुनाव कराने पड़े थे जिसमें इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत से आती हैं, बहुत बड़े मार्जिन से जीत करके आती हैं, क्योंकि जनता को समझ आ गया था कि भले ही इंदिरा ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया हो, ठीक है, लेकिन उनके अगर हम कंपैरिजन में किसी को देखें तो वो नहीं है, क्योंकि ये आए आपस में लड़ गए भाई, इनके पास कोई जनाधार ही नहीं है, कोई कार्यक्रम ही नहीं है, इनको तो आपस में सीटों की दिक्कत थी। जो भी हो, खैर चौधरी चरण सिंह को काफ़ी बढ़िया प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, इन्होंने किसानों को लेकर के बहुत काम किया। खैर, तो जनता ने इस वजह से 80 के टाइम में जनता पार्टी की सरकार को हटा करके वापस से इंदिरा गांधी की सरकार को ला दिया था, ठीक है। खैर, जब जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, जो आपका 77 से 80 तक का पीरियड है ना, 77 से 80 तक का पीरियड, इसमें उन्होंने कुछ काम किया, ठीक है। इसमें उन्होंने जो सबसे पहला काम किया था वो लेकर के आए कि वो शाह कमीशन लेकर के, ठीक है, जिसको शाह जांच आयोग कहते हैं, ठीक है। अब जो शाह जांच आयोग जो आपका है वो एक ऐसा कमीशन है जिसका काम था, जिसको जनता पार्टी ने एक तरीके से अपॉइंट किया शाह जांच कमीशन को, और ये जो शाह जांच कमीशन था आपका वो जेसी शाह की अध्यक्षता में चला, ठीक है। शाह जांच आयोग का काम क्या था कि इमरजेंसी के दौरान जो भी घटनाएं घटित हुई हैं आपको उसके बारे में एक तरीके से पता करना है, जांच वगैरह करनी है। और उस जांच में यही पाया गया कि इंदिरा गांधी ने क्या किया है कि जो अपनी जो शक्तियां हैं उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, ठीक है, जो उन्होंने तानाशाही दिखाई है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स खींचे हैं एक तरीके से, हमारे जो ह्यूमन राइट्स जो छीने गए हैं, ठीक है, सेंसरशिप लागू करी गई है, तो ये उन्होंने पाया अपने इस रिपोर्ट में जिसको शाह जांच कमीशन कहते हैं, जो कि 77 में आया था, ठीक है। तो ह्यूमन राइट वॉयलेशन, प्रेस सेंसरशिप, डिटेंशन का मतलब होता है, एक वर्ड है प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं इसको। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने मतलब जब इमरजेंसी एक तरीके से लागू हुई थी ना, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का बहुत बड़े स्तर पे इस्तेमाल किया गया था। प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है ना कि आप किसी को शक के आधार पर जेल में डाल सकते हैं, सिर्फ शक है, ठीक है, और उसके आधार पर जेल में, मतलब शक क्या ही था, उनको पता था कि जिस घर पर कांग्रेस का झंडा नहीं लगा है वो हमारे दुश्मन है, इमरजेंसी के दौरान यही हुआ। तो जिस घर पर देखा गया कि कांग्रेस का झंडा नहीं है, दूसरी पार्टी का झंडा है, भाई आप चलो जेल में, तो ये वाला जो खेल था वो इमरजेंसी के दौरान चला था, ठीक है। तो ये थी आपका 6th जनरल इलेक्शन एंड कांग्रेस, ठीक है। अब बात करते हैं लेसन्स फ्रॉम नेशनल इमरजेंसी। जो भारत में नेशनल इमरजेंसी लागू हुई, इससे हमने क्या लेसन सीखा, मतलब जनता ने क्या सीखा एक तरीके से। वैसे काफ़ी अच्छा हुआ कि एक इमरजेंसी आई ताकि जनता को सबक मिले एक तरीके से कि सरकार को इतना भी पावरफुल नहीं होना चाहिए, सरकार पर भी कुछ लिमिटेशंस वगैरह लगनी चाहिए। तो पहला तो यही हुआ कि भारत की जो डेमोक्रेसी थी वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई। इस चीज़ की वजह से जनता को समझ आने लग गया कि भारत से लोकतंत्र को हटाना बहुत मुश्किल है, आप तानाशाही लेकर के हमेशा नहीं चल सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। और इंदिरा गांधी को जाना पड़ा, 77 में जनता ने उनको हराया, भले ही 80 में लेकर के, बट उनको एक सबक गया, ठीक है, कि आपको भी हटाया जा सकता है। दूसरा सबक हमने ये सीखा कि बहुत सारे अमेंडमेंट करे, अमेंडमेंट क्या करे कि मैंने क्या बताया था आपको कि 75 में जो आपका ताला लगा था वो लगा था इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, आंतरिक गतिरोध की वजह से। तो सबक हमने ये सीखा कि उस आधार पर इमरजेंसी नहीं लगाई जानी चाहिए थी, थोड़ा सा कठोर या फिर ठोस कोई कारण हो तो लगाया जाएगा। तो इसमें 78 में अमेंडमेंट किया गया और लिखा गया आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। तो इंटरनल इमरजेंसी कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड इन केस ऑफ आर्म रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो यहां पर वो वाला वर्ड हटा दिया गया, इंटरनल अग्रेशन वाला, ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखें, एक्सटर्नल वाला चलेगा,
और आर्म्ड वाला चलेगा। तो एक ये सबक सीखा। तीसरा ये सीखा कि जितने भी लोग थे उन्होंने जो भी उनकी सिविल लिबर्टीज थी उसके लिए उनके मन में एक तरीके से अवेयरनेस जागी, लोग जो थे वो जागरूक हुए अपने अधिकारों के प्रति। इसी बीच में जो जुडिशरी थी, जुडिशरी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुई। जुडिशरी ने व्याख्या करी इन सब चीज़ों की कि आप किस आधार पर लगा सकते हैं, किस पर नहीं लगा सकते हैं, किन किन फंडामेंटल राइट्स को आप हटा सकते हैं इमरजेंसी के दौरान। तो जो चीज़ें घटित हुई थी उसी से सबक सीखा गया। ठीक है, लास्ट ये हुआ कि ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वायोलेशन हुआ था इमरजेंसी के दौरान में। तो इसी टाइम क्या हुआ था, NHRC आया था, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, जिसका काम क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन आयोग है ये, जिसका काम है कि जो व्यक्ति हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्वयंसेविक संगठन एक तरीके से मान लीजिए कहिए। ठीक है, आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो पुलिस स्टेशन होते हैं ना उसमें, या फिर मान लीजिए जेल वगैरह हैं, उसमें कैदियों के साथ बहुत गलत बर्ताव किया जाता है, और वो कैदी जो होते हैं वो पावरफुल मान लीजिए नहीं है, उनका कोई देखने वाला नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, NHRC इन चीजों की जांच करता है कि उनके साथ कोई यातनाएं तो बड़े स्तर पर नहीं करी जा रही, या फिर वो कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हो रही है। तो इन सब चीजों में NHRC काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ सबक हैं जो कि हमने नेशनल इमरजेंसी से सीखे और भारतीय संविधान में कुछ बदलाव किए। ठीक है, एक और बात, जो बदलाव किए थे इंदिरा गांधी ने, वो जो 5-6 ईयर वाला किया था अपने टेन्योर को, उसको चेंज कर दिया गया था अगले वाले ही में, इसी में मतलब। ठीक है, इंदिरा बुलाओ देश बचाओ, सबको पता चल चुका है कि 77 का जो चुनाव हुआ उसमें जो मोरारजी देसाई थे, जगजीवन राम थे, चौधरी चरण सिंह हैं, उनके पास कोई साझा कार्यक्रम नहीं है और सीट को लेकर के लड़ाई झगड़ा है। तो फिर 80 में चुनाव होते हैं मध्यावधि चुनाव, 90-80 मिड टर्म इलेक्शन। ठीक है, 77 में वो हुए थे तो 80 में उनकी सरकार गिर जाती है। अब 80 में जब सरकार गिर गई तो वापस से इलेक्शन हुए और फाइनली यहाँ पर इंदिरा गांधी आई हैं, और ये वो सभी नेता हैं जो एक टाइम को जनता पार्टी में थे और इनकी सरकार थी, और यहाँ पर स्वीपिंग द पोल्स, और आपको ये इंदिरा गांधी मिल रही हैं झाड़ू के साथ। ठीक है, तो आपके लिए एक सवाल कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप मुझे बताइए कि किस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो झाड़ू है। ठीक है, हालांकि बहुत आसान सवाल पूछ लिया मैंने आपसे, तो आप ये बताइए। और आज के टाइम पे ये बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, जो झाड़ू वाली पार्टी है ना, नेशनल पार्टी बन चुकी है, और ये एक ऐसी पार्टी है जिसने बहुत कम टाइम में एक नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि झाड़ू किस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ठीक है, लास्ट चीज, कॉन्क्लूजन पे आ गए हम, तो चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होगा। ठीक है, कि नेशनल इमरजेंसी वाला, जो नेशनल इमरजेंसी का जो पीरियड था हमने देखा, इस वाले में हमने कितना कवर किया, इसमें हमने कवर किया 1970 से, मान लीजिए 70 से लेकर के 1980 तक का टाइम पीरियड। ठीक है, यानी कि 10 साल की जो राजनीति थी वो इस चैप्टर में थी, और इसमें आप कंक्लूजन पे क्या ही आए होंगे, आप समझ गए होंगे कि इमरजेंसी में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। ठीक है, इमरजेंसी से लोगों ने क्या सबक सीखा। एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इमरजेंसी के ऊपर, जिसमें पता क्या पूछा जाता है कि आपसे ही पूछा जाएगा कि आप जो हैं इमरजेंसी के पक्ष में हैं और आप ही विपक्ष में हैं, तो आपको बताना होगा कि अगर आपने इमरजेंसी लगाई तो अच्छी क्यों है वो। ठीक है, और आप अगर उसके अगेंस्ट में हैं तो क्यों है, समझ रहे हैं आप। तो एक ये क्वेश्चन आता है इससे कि इमरजेंसी के आप पक्ष में होते तो आप क्या जवाब देते, और विपक्ष में होते तो क्या जवाब देते। ठीक है, और एक इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन आता है आपका मिड टर्म वाला, जो मैंने आपको बताया, और एक क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वही है, 6 नंबर का क्वेश्चन, कि भारत में जो आपातकाल लगाया गया था वो किन कारणों की वजह से लगाया गया था। ठीक है, और उसी के बाद आता है 4 नंबर का क्वेश्चन और बनता है इस चैप्टर से, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी, जिसमें आपको वो कॉन्सिक्वेंस बताने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, कुछ अखबार ऐसे थे जैसे कि मान लीजिए मेन स्ट्रीम, सेमिनार, ये सब जो अखबार आप नाम सुन रहे हैं, इन्होंने जब आपातकाल लगा था, जब उन पर सेंसरशिप लगाई गई थी ना, तो कुछ ने तो अपने प्रकाशन को ही बंद कर दिया था, और कुछ अखबार ऐसे थे जिन्होंने मतलब ये कहिए कि खबरें वबरें तो छापी लेकिन कुछ जगहों को खाली छोड़ दिया, मतलब विरोध में कि हम आपसे पूछेंगे ही नहीं और ना कुछ छापेंगे, बस जनता को हम ये दिखाएंगे कि हम इस पर क्यों नहीं छाप रहे हैं कुछ, क्योंकि हमें सरकार ने मना किया है। ठीक है, तो ऐसा भी हुआ था। तो आपके लिए क्वेश्चन एक है आपकी NCERT से जुड़ा हुआ, कि वो कौन से अखबार थे जिन्होंने क्या किया था, अपने न्यूज़पेपर में उन खाली जगहों को छोड़ा जनता को दिखाने के लिए कि हमारे ऊपर सेंसरशिप लागू करी गई है और हम इसलिए कुछ छाप नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ये MCQ में, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे ये कमेंट में बताएं NCERT की किताब से। ओके,
चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ये हमारा चैप्टर था इमरजेंसी वाला। अगर आपके पास कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में मैं आपको बता दूंगा। और अगली बात ये कि अगर आपको लगता है कोई और चैप्टर या फिर कोई आपको लगता है टॉपिक जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताइए। और आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए और थोड़ा शेयर करिए, ठीक है। और अपने जो आपके साथ दोस्त वगैरह हैं, विद्यार्थी वगैरह हैं, आपके क्लासमेट हैं, उनको भी भेजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ये क्या है?